तो हमारा फ्लाइट पाथ जाता है यहाँ पे जॉर्ज पुल की ओर से, तो हम जॉर्ज पुल में उतरने का फैसला कर लेते हैं कंटेनर्स पे। तो अपने इधर दो तीन स्क्वाड आई रहती है, लेकिन किधर जाती है पता नहीं। तो अपन फटाफट लूट करके बंदे की तलाश में निकल जाते हैं। वहीं इस बीच एक बंदा बॉट को मार के उसकी पेटी लूटता रहता है, तो मैं उसे फटाक से स्पॉट कर लेता हूँ। तो देखो उसको क्या ही भरते अभी। तो इस बंदे को फिनिश करने के बाद हम आगे की ओर निकलते ही रहते हैं कि अपने को एक और फुटस्टेप आ जाता है यहाँ पे। तो हमें लगता है बंदा है, लेकिन असल में निकलते हैं बॉट चाचा। तो बॉट चाचा को कैसे छोड़ सकते हैं, तो उनका भी किल लेके अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस बीच अपन निकलते हैं गाड़ी से, तो गाड़ी से ठीक जाते ही रहते हैं कि ऊपर में एक बंदा लेटा रहता है जो कि स्पॉट हो जाता है अपने को। तो देखो उसको क्या ही भरते, लेकिन वो बंदा अच्छा स्प्रे देता रहता है और अपने टीममेट को नॉक कर देता। तो देखो उसको क्या ही भरता गाड़ी से। तो अभी इस बंदे को फिनिश आउट देने के बाद मैं अपने टीममेट को ठीक रिवाइव देने की कोशिश करता कि दूर से कहीं से स्प्रे पड़ता और मेरा टीममेट यहाँ पे फिनिश हो जाता। तो अपने टीममेट को बचाने के लिए मैं रिकॉल की तरफ मैं भाग जाता यहाँ पे। तो अपने टीममेट को रिकॉल करने के बाद मैं ठीक गाड़ी लेके जाता ही रहता हूँ कि इस बीच ये बंदा एक कैंप करके बैठा रहता है यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर से मैं गाड़ी लेता हूँ, लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं मरता। तो मैं उतर के उसको क्या ही मारता देखो। तो इस बंदे को फिनिश करने के बाद हम गाड़ी लेके रोजोक के हिल्स के ऊपर जाते हैं। तो हिल्स के नीचे एक बंदा भागते रहता है, तो फुट आ जाता है अपने को। तो देखो उसको भी क्या ही भरते। तो इस बंदे को फिनिश करने के बाद हम गाड़ी से ठीक निकल ही रहे होते कि सामने से गाड़ी आती रहती, तो देखो इनको क्या ही स्प्रे पड़ने वाला था अभी। गाड़ी आ रहा है। ये भाई। तो ये अगर 1v3 आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अपन डायरेक्ट आ जाते हैं पोचिंकी के स्क्वाड हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी दो स्क्वाड फाइट करती रहती है। तो दोनों के बीच में अभी क्या ही भसड़ होने वाला है देखो अब। सो मैंने जो ग्रेनेड पिन किया था उससे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, तो उसको फिनिश आउट दे देते हैं बंदे। तो देखो मैं अपनी टीममेट का क्या ही बदला लेता हूँ यहाँ पे। तो इस बंदे को डाउन करने के बाद मैं दूसरे बंदे की तलाश में करता, लेकिन ऊपर में भाई कैंप बैठा के रहते रहते, तो एक बंदा मेरे को इधर से स्पॉट हो जाता है जो कि निहत्ता रहता है। तो इसको हम कैसे ही छोड़ सकते हैं, तो डायरेक्ट जाके उसको ही पहले टपका डालते हैं अपन। तो इसको फिनिश डालने के बाद बाकी दूसरा लाइनअप का एक बंदा पुश कर देता है, पूरा स्क्वाड रश करता रहता है, लेकिन एक बंदा ऊपर में भी कैंप किया रहता है। तो देखो क्या ही फाइट का सीन होता अभी। तो ये स्क्वाड का बंदा मेरे को खिड़की से स्पॉट हो जाता है यहाँ पे, तो उसको देखो क्या ही शॉटगन से जंप शॉट पड़ता है यहाँ पे। तो इस बंदे को नॉक करने के बाद मैं एक मॉली पिन कर देता हूँ ताकि जल्दी से फिनिश आउट हो जाए। हालांकि मेरी मॉली लगती नहीं है वहाँ पे, लेकिन इसका टीममेट इसको रिवाइवल के लिए आ जाता है। तो देखो हम एंगल चेंज करके क्या ही टोचन देते हैं अब उस दूसरे वाले बंदे को। तो मैं जंप करके दोनों को, एक को फिनिश और एक को नॉक कर देता मैं। तो लेकिन उसका दूसरा बंदा मेरे पुश कर देता है और मेरे को लो कर देता है, लेकिन फिर भी अपन उसको शॉटगन से भर देते। तो अगर आपको ये 1v3 अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस बीच हाल फिलहाल मैं हिल लगाते रहता, लेकिन जो ऊपर का बंदा रहता है वो नीचे कूद जाता, लेकिन किस साइड कैंप करता रहता है अच्छे से लोकेशन थोड़ा पता नहीं चल पाता है। पीछे से आके वो अपने को फ्री फायर में लेते, लेकिन शॉटगन चिपकाता, लेकिन फिनिश आउट हो जाता हूँ।